पूर्व मंत्री व मैनपुरी सदर से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा का डंका बजेगा और समाजवादी पार्टी नेस्तनाबूत होगी। और उन्होंने कहा कि जो हाल बसपा का हुआ है वही हाल सपा का होगा। आने वाली 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव विदेश में होंगे। जयवीर सिंह भाजपा से सदर प्रत्याशी बनाए जाने पर पहली बार मैनपुरी माता शीतला के दर्शन करने पहुंचे थे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। पार्टी की ये सीट खाते में गिर रही है, क्या किस तरीके से फाइट होगी आपकी सदर? आज की तारीख में मैनपुरी सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 5 साल में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की सरकार ने लोक कल्याण के लिए जनहित की तमाम योजनाओं के द्वारा जन जन को बिना किसी राजनीतिक सामाजिक जाति भेदभाव के हर व्यक्ति को उस व्यक्ति को जो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको समाज में मुख्य धारा में लाने का काम किया है, विकास की योजना देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कानून और व्यवस्था के कार्य में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व जिस प्रकार से वातावरण बनाया है, हर आदमी जो कल तक लाठी पाठी से गुंडई से तमंचों वालों से डरता था, दिन में घर पहुंच जाता था, शाम को लूट पटाई होती थी, रात को किसान पानी अपने खेत में लगा पाता था, उनसे मुक्ति देने का काम योगी जी ने किया है। और आज प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गुंडे पूरी तरह नेस्तनाबूत हो चुके हैं, जेल के अंदर हैं या प्रदेश से बाहर हैं। उसी का परिणाम होगा कि जन जन का समर्थन सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसी के अंतर्गत उसी हिसाब से मैनपुरी पर भी प्रचंड विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना परचम सपा की कई 10 मार्च 2022 का मैं अखिलेश होंगे प्रदेश में और पार्टी होगी खत्म। आज जो बसपा की दुर्गति है वही समाजवादी पार्टी की इस चुनाव के बाद होने जा रही है। करण सीट से लड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा प्रदेश में आज कहीं इन पर ठिकाना नहीं मिल रहा है, अपना जाति गणित बिठा करके या करैल में आने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी सफल होने वाले नहीं है। अगर उनको जीतने की आदत होती तो उस सीट पर जाना चाहिए था, आपको ढूंढ रहा है, वहाँ रहना चाहिए था। आज वो गुणागणित लगा के सोच रहे करैल में हमारे ज़्यादा मतदाता यादव हैं इसलिए जीत के चले जाएंगे। पता चलेगा उन्हें करैल में लड़े जनता उन्हें निश्चित रूप से जवाब देने का काम करेगी। पूरे प्रदेश में योगी जी का डंका फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम होगा और 2022 के जो परिणाम आएंगे विधानसभा के उसके बाद नेस और नामूद दिखाई पड़ेगी समाजवादी पार्टी। और अखिलेश जी कहीं विदेश यात्रा पर चले गए दिखाई पड़ेंगे।